हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अल्टीमेट अर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग 5 ROI ग्लोबल से अपना टोकन कैसे बैंक ट्रांसफर करोगे इंस्टेंट, एंड दोस्तों आप लोग इसको कैसे सेल वगैरह कर सकते हो। दोस्तों यहां पर आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू विथड्रॉल 5 ROI ग्लोबल टोकन। दोस्तों यहां पर देखो, आप लोगों को सिंपल सा विथड्रॉल प्रोसेस नहीं बताऊंगा। बहुत लोग ऐसा भी होंगे जिनके पास थोड़ा कम टोकन है यानी उतना ज्यादा टोकन नहीं है, तो वो लोग कैसे विथड्रॉल करेगा यानी जितने भी सारे आपका यहां पर दिक्कत आएगी, सबका जो दिक्कत है वो आप लोग इसी वीडियो में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको इसके रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यानी इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाला हूं आप लोग कैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करोगे, कितना चार्ज है, मिनिमम कितना टोकन से आप लोग इसको बाय सेल कर सकते हो, अगर आपके पास कम टोकन है तो आप लोग कैसे यहाँ पर बाय सेल करोगे यानी आपका पैसा जो है बैंक पे लोगे, उसके साथ कौन सा एक्सचेंजर को यूज़ करना है, पूरा A to Z वीडियो होने वाला है जिससे आप लोगों को और कोई वीडियो इस रिलेटेड देखना ना पड़े। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप लोग अगर एंड तक देखोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, आप लोग 5 ROI ग्लोबल जो आपका एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लो। जैसे आप लोग उसको ओपन करोगे आपको माई बैलेंस का जो सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले। एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हिडन पार्टी यहाँ पर जो कॉइन का ऊपर ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको जो है आपका कॉइन मिल जाएगा ROI कॉइन एंड TKX कॉइन, तो आपको ROI कॉइन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे अभी आप लोगों को नीचे देखो डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफर एंड स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्पोर्ट्स का ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पर सेल पे सिलेक्ट करना है, आपको सेल पे सिलेक्ट करना है, तो आप लोग सेल पे सिलेक्ट करो। एंड यहाँ पर USDT टू ROI ग्लोबल होगा, एंड यहाँ पर देख सकते हो। पर आप लोगों को और एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो मिनिमम विड्रॉल है 10,000 टोकन अगर आपके पास है तभी आप लोग विड्रॉल कर पाओगे। यानी यहाँ पर देखो आपके पास जितने भी सारे कॉइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ओनली मैक्सिमम अभी जो है 20,000 टोकन ये कंपनी दे रहा है अनलॉक करके, जिसको आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, जिसका वैल्यू लगभग $62 से $64 हो रहा है। तो आप लोगों को इतना ही मैक्सिमम विड्रॉल करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा टोकन है तब भी आप लोग 20,000 से ज़्यादा टोकन विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी $62 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास कम टोकन है तो आपको मिनिमम 10,000 टोकन का विड्रॉल करना है। तो बहुत लोगों के अकाउंट पे 1-2,000 या 5,000 टोकन होगा, तो वो लोग कैसे विड्रॉल करेगा उनका भी प्रोसेस मैं आगे जाके बताऊंगा, आप लोग फिक्र मत करो। अभी जिनके पास अकाउंट पे जो यहाँ पर बैलेंस पड़ा हुआ है, सही बैलेंस पड़ा हुआ है यानी मिनिमम 10,000 टोकन है आपके पास, तो आप लोग यहाँ पर सेल पे क्लिक कर दो। एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो रेट करके आ रहा है, ग्रीन करके आ रहा है पास में, तो जो रेट का आ रहा है उसका सबसे ऊपर वाला में आप लोग सिलेक्ट करो, जो रेट आ रहा है उसका ऊपर वाले में जो ऑप्शन है वहाँ पर सिलेक्ट कर दो, क्लिक कर दो। करने के बाद आपका जो प्राइस वो सिलेक्ट हो जाएगा मार्केट प्राइस। एंड दोस्तों यहाँ पर जो लेवल आ रहा है उसको, जो डॉट आ रहा है तो उसको क्लिक करके आप लोग स्लाइड कर दो एंड मैक्स कर दो। जैसे आप लोग मैक्स कर दोगे अभी दोस्तों यहाँ पर आपका जो डॉलर वगैरह दिखाएगा कितना डॉलर का सेल हो रहा है, कितना आपको USDT मिलने वाला है, तो ये सभी देखने को आपको मिल जाएगा। अभी आप लोगों को सेल ROI पे क्लिक कर देना है। सेल ROI पे क्लिक करने के बाद नीचे देखो ये ऑर्डर आपका लग चुका है। एंड दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर जो है बैक चले जाओ एंड माई बैलेंस पे फिर से चले जाओ। जैसे आप लोग माई बैलेंस पे चले जाओगे अभी आप लोगों को यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा USDT, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मुझे USDT मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट, तो आप लोग इस मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग मार्केट पे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के ऑप्शन में आ जाओगे, तो यहाँ पर एक सर्च बटन मिलेगा आपको, तो सर्च बटन में क्लिक करके आपको सर्च करना है। आपको सर्च करना है क्या, आपको सर्च करना है TRX। तो दोस्तों आप लोगों को TRX सर्च करना है, तो आप लोगों को TRX टू USDT का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोगों को TRX टू USDT में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग TRX टू USDT में क्लिक करोगे अभी दोस्तों आप लोगों को बाय करना है USDT से TRX, यानी आप लोगों को अभी TRX बाय करना है। तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पर देखो बाय एंड सेल का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है एंड TRX का प्राइस भी दिखने को मिल रहा है, तो आप लोग बाय पे क्लिक करो। एंड दोस्तों यहाँ पर बाय पे क्लिक करने के बाद आप लोग मैक्सिमम TRX जो यहाँ पर बाय कर लो, फिर से ये जो लेवल है उसको यहाँ पर पूरा खींच दो यानी आप लोग मैक्स कर दो। उसके बाद आप लोग बाय TRX पे क्लिक कर दो। जैसे बाय TRX पे क्लिक करोगे आपका TRX यहां पर रिसीव हो जाएगा। एंड दोस्तों अभी आप लोग क्या करो, यहां पर जैसे आपके पास TRX ऑर्डर लग जाता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है यहां पर आपको रिसीव होने में, यानी मार्केट ऑर्डर लगने में। जैसे यहां पर TRX आपका रिसीव हो गया अभी आप लोगों को TRX पे क्लिक करना है, यहां पर माय बैलेंस पे आके आपको TRX पे क्लिक करना है। तो दोस्तों माय बैलेंस पे आप लोग आ जाओ एंड TRX पे क्लिक करो। अभी दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आप लोग जो डिपॉजिट उसके बगल में जो विड्रॉल है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो, ऊपर में क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक
करना है तो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको TRX एड्रेस मांगा जाएगा एंड दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम अगर 70 TRX है तभी आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, यानी 70 TRX आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास 70 TRX होगा तो इस पर ऑल सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगने वाला है वो लगने वाला है 15.90 TRX का, यानी अगर आप लोग यहाँ पर विड्रॉल करोगे TRX तो आप लोगों को 15.90 TRX का चार्ज देना पड़ेगा, जो आप लोगों को लगभग काफ़ी अच्छा खासा चार्ज, लगभग आपको 100 रुपये से भी ज़्यादा का चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये बात भी आप लोग ध्यान पे रखना, और दोस्तों यहाँ पर चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो जैसे ये काम कर देते हो आप लोग ऑल पे सिलेक्ट कर लेना TRX को एंड दोस्तों 15 TRX का चार्ज कटेगा, बाकी जितने भी TRX होगा आपको रिसीव हो जाएगा आपके एक्सचेंजर एप्लीकेशन में। दोस्तों आपको कौन सा एक्सचेंजर यूज करना है तो भी आपको बताऊंगा। आपके लिए मैं दो खुद ऐसे एक्सचेंजर एप्लीकेशन ले आया हूं जो आपके ऊपर डिपेंड करके आप लोग चूज कर सकते हो तो भी आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जिनके पास थोड़ा कम टोकन है एंड उनको 1000 या 2000 जो है ROI टोकन अनलॉक हुआ है, तो उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे लोग हो जहाँ पर आपके पास है कम टोकन, यानी आपके पास 1000-2000 ऐसा कुछ टोकन अनलॉक हुआ पड़ा हुआ है, यानी आपको मिनिमम 10,000 टोकन आपके पास नहीं है, तो दोस्तों अगर आपके पास $5-10 ऐसा कुछ पड़ा हुआ है तो आप लोग चाहते हो उस टोकन को विड्रॉल करना, तो आपके लिए सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करो, यहाँ पर आप लोगों को 5 ROI ग्लोबल में डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी आपको ROI टोकन खरीदना पड़ेगा एंड आपको 10,000 टोकन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग विड्रॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक फॉलो करना है, आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन में जाना है, आप लोग चाहो तो CoinDCX Go चूज कर सकते हो या आप लोग Suncrypto चूज कर सकते हो, दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खरीदना है BNB। तो दोस्तों आप लोगों को पैसे से इंडियन रुपीज से आपको BNB खरीदना है, आप लोगों को CoinDCX या Suncrypto दोनों एप्लीकेशन में किसी में भी जाके आपको BNB खरीदना है एंड दोस्तों आपको 5 ROI ग्लोबल में जाके आप लोगों को सर्च करना है, मार्केट में जाके आप लोगों को सर्च करना है BNB। तो दोस्तों आप लोग जैसे BNB सर्च करोगे उसका जो रिसीव वाला एड्रेस है एंड दोस्तों आपको जो है जो यहाँ पर CoinDCX या Suncrypto में जो विड्रॉल वाला एड्रेस का वहाँ पर एड्रेस मांगा जाएगा, तो वहाँ पर दे देना है 5 ROI ग्लोबल का BNB का एड्रेस एंड आपको जो है यहाँ से खरीद के यहाँ पर सेल कर देना है, यानी ट्रांसफर कर देना है लगभग $10-15 का BNB। तो $10-15 का BNB अगर आप लोग कर लोगे तो आपके पास 10,000 का जो है ROI ग्लोबल टोकन बढ़िया आसानी से आ जाएगा। तो जैसे आपके पास BNB रिसीव हो जाता है 5 ROI ग्लोबल में, अभी दोस्तों ये जो BNB है इसको आपको कन्वर्ट करना है USDT में, या आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ROI टोकन भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को BNB टू ROI ग्लोबल नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट पहले USDT में BNB को सेल कर दो, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग BNB को सेल कर दो USDT में, यानी आप लोग BNB को देख के USDT बाय करो एंड दोस्तों USDT जैसे आपके पास आ जाता है उसी USDT से आप लोग ROI टोकन को बाय करो। ROI टोकन आपका जैसे बाय हो जाता है, अभी दोस्तों आपके पास 10,000 टोकन तो हो ही जाएगा क्योंकि आपके पास $10-15 का BNB था, तो $10-15 का BNB में आप लोगों को 10,000 का ROI टोकन मिनिमम आ ही जाएगा एंड आपके पास जितने भी टोकन था सब आप लोग एक साथ विड्रॉल कर पाओगे। तो यही जो ट्रिक था, जिनके पास कम टोकन है तो वो लोग इस ट्रिक को फॉलो करो एंड दोस्तों आप लोग अपना जो है 10,000 टोकन कंप्लीट कर लो इस ट्रिक को फॉलो करके, जितने भी सारे आपके पास वॉलेट पे पड़ा हुआ है टोकन सब एक साथ अभी आप लोग USDT में सेल करो, सेम प्रोसेस से आप लोग TRX बाय करो एंड दोस्तों TRX को अभी विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप लोग काम कर सकते हो जिनके पास कम टोकन है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं जिनके पास जो है यहां पर आप लोग जो TRX को कैसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे। तो दोस्तों आपका जो TRX है आपको यहां पर एक एड्रेस डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो एड्रेस है आप लोग CoinDCX Go का भी डाल सकते हो या दोस्तों Suncrypto का भी डाल सकते हो। मैं पर्सनली Suncrypto को यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है मिनिमम विड्रॉल 100 रुपीस का है, बट दोस्तों यहां पर आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके आप लोग Suncrypto को यूज कर सकते हो। अगर आप लोग KYC नहीं करना चाहते हो, उससे पहले विड्रॉल करना चाहते हो, विदाउट KYC विड्रॉल करना चाहते हो, तो आप लोग CoinDCX Go को चूज कर सकते हो। यहां पर आपको मिनिमम मैक्सिमम आप लोग 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट KYC, बट दोस्तों यहां पर विड्रॉल करने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपीज का आपको पास कोई भी क्रिप्टो होना चाहिए, यानी आपको INR जो होना चाहिए 500 रुपीज होना चाहिए तभी आप लोग इससे विड्रॉल
लगा सकते हो, बट सनक्रिप्टो में आप लोग 100 रुपए से विड्रॉल लगा सकते हो, इसलिए मैं सनक्रिप्टो को यूज कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी KYC कंप्लीट है। बाकी दोस्तों दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग दोनों को चेकआउट कर सकते हो और डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अगर आप लोग विदाउट KYC करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर CoinDCX ग्रो को चूज करो। अगर आप लोग KYC के साथ मिनिमम 100 रुपए विड्रॉल चाहते हो तो आप लोग सनक्रिप्टो को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है आप लोग कैसे करोगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग सीख के करोगे। तो दोस्तों मैं सनक्रिप्टो को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सनक्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम तरीके से आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, या आप लोग सेम तरीके से CoinDCX में विड्रॉल कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी दोस्तों आप लोगों को जो TRX एड्रेस यहाँ पर मांगा जा रहा है 5ROI ग्लोबल में, तो वो एड्रेस आपको कहाँ से डालना है, तो देखो मैं सनक्रिप्टो से मेरा TRX का जो एड्रेस है वहाँ पर क्लिक किया। दोस्तों यहाँ पर जो TRX का एड्रेस यहाँ पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर इस बटन में क्लिक करो। करने के बाद दोस्तों आपको TRX का एड्रेस मिल गया, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। एंड दोस्तों आपको जो है यहाँ पर TRX के एड्रेस में 5ROI ग्लोबल का जो TRX एड्रेस मांग रहा है वहाँ पर आप लोगों को पुट कर देना है, यानी पेस्ट कर देना है। ऐसे ही आप लोग जो यहाँ पर CoinDCX में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको एक TRX का ऑप्शन मिलता है, तो TRX में क्लिक करके आप लोग उसका जो यहाँ पर आप लोग को जो उसका जो रिसीप वाला एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है एंड दोस्तों 5ROI ग्लोबल में पेस्ट कर देना है। तो जो एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप लोग पेस्ट कर देना है। जैसे ये काम कर देते हो उसके बाद आप लोगों को 15 जो है TRX का चार्ज लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग विड्रॉ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिमार्क मांगा जाएगा 5ROI ग्लोबल में, तो आप लोग को ये रिमार्क देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आप लोग दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप लोग यहाँ पर TRX लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग सबमिट कर दो। देखो यहाँ पर आप लोग जैसे सबमिट करोगे आपको एक जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगा जाने है, ट्रेडिंग पासवर्ड मांगा जाएगा 5ROI ग्लोबल एप्लीकेशन में। तो ये जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन पासवर्ड है ये आप लोग अगर सेट नहीं की हो तो सेटिंग में जाके, मी सेक्शन में जाके, प्रोफाइल में जाके आप लोग इसको सेट कर सकते हो, एंड अगर भूल गए हो तो फॉरगेट भी कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरे को याद है मैं क्या डाला था, तो मैं वही वाला डाल देता हूं। दोस्तों यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन होगा, तो दोस्तों आप लोग गेट OTP में क्लिक करना है, आपके नंबर पर एक OTP आएगा उसको भी डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आपको नेक्स्ट जो आपके ईमेल पे जो आपके 5ROI ग्लोबल के साथ जो ईमेल कलेक्ट है उसी ईमेल पे और एक OTP जाएगा, तो वो ईमेल का OTP भी आप लोग यहाँ पर डाल के सबमिट कर दो। तो यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग पे चला जाएगा एंड दोस्तों 1 से 2.5 मिनट के अंदर ही आपको बताया जाएगा कि विड्रॉल आपका सक्सेस होगा कि पेंडिंग पे चला जाएगा। तो दोस्तों मुझे जो है 1 मिनट भी नहीं लगा था, यहाँ पर देख सकते हो मुझे मैसेज आ चुका है मेरा जो 5ROI ग्लोबल विड्रॉल है जो TRX विड्रॉल में किया था वो सक्सेस हो चुका है। आप लोगों के सामने यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, तो ऐसे ही आप लोगों को 1-2 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है टाइम लग सकता है, वेट कर लेना। तो दोस्तों जैसे आपका ये विड्रॉल सक्सेस हो जाता है तुरंत आपको आपके एक्सचेंजर यानी सनक्रिप्टो या CoinDCX पे नहीं मिलेगा, आप लोग थोड़ा वेट करना। जैसे आप लोग वेट करोगे आप लोगों को सनक्रिप्टो की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा, CoinDCX की तरफ से मैसेज आ जाएगा। देखो मुझे सनक्रिप्टो की तरफ से मैसेज आ चुका है कि मेरा TRX जो है सनक्रिप्टो में डिपॉजिट हो चुका है, सनक्रिप्टो में TRX रिसीव हुआ है, अभी मुझे इसको कर लेना है सेल एंड सेल करके मुझे INR पे कन्वर्ट करना है, यानी इंडियन रुपीस में मुझे इसको लेना है, उसके बाद मैं विड्रॉल इसमें पेटीएम पे या बैंक पे लगा सकता हूं। तो मैं वैसे ही करता हूं, मैं TRX को चूज कर लेता हूं, सेल पे क्लिक करता हूं एंड दोस्तों सेल पे मैं जो है 100% क्वालिटी इसका सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ये 100% मैं कर दूंगा उसके बाद मैं सेल करता हूं, मुझे पिन पूछा जाएगा, पिन डाल देता हूं एंड दोस्तों ये मेरा सेल हो चुका है, देख सकते हो आपके सामने सक्सेस सेल हो चुका है। बट दोस्तों इसमें भी आपको पेंडिंग पे चला जाएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर आपको यहां पर एक मेल आ जाएगा सनक्रिप्टो की तरफ से एंड CoinDCX की तरफ से, अगर CoinDCX से कर रहे हो तो दोस्तों वहां पर आप लोग 1 से 2 मिनट या 5 मिनट आप लोग वेट कर लेना। उसके बाद मुझे देखो यहाँ पर लगभग 10 मिनट के अंदर लग गया था मेरा जो है यहाँ पर INR पे कन्वर्ट होने में, तो आप लोगों का कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये सक्सेस का मेल आ जाता है आप लोग 5 से 10 मिनट वेट कर लेना, आपका जो पैसा है TRX सेल होके आपको INR पे मिल जाएगा। अभी दोस्तों INR को आपको विड्रॉल करना है बैंक पे, तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना है, INR आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो शो होगा CoinDCX गो में भी एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सनक्रिप्टो में भी, तो सनक्रिप्टो में यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर एक विड्रॉल का बटन है, मैं विड्रॉल के बटन में क्लिक करूंगा एंड दोस्तों जैसे क्लिक करूंगा अभी मुझे बैंक एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो मेरा बैंक ऑलरेडी सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर लिया एंड दोस्तों अमाउंट एंटर कर दिया, जो भी अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है तो देख सकते हो 4,926 रुपीज के आसपास पड़ा हुआ है एंड 10 रुपीज का यहाँ पर चार्ज लगेगा जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी आपसे लिया जाएगा, CoinDCX में भी आप लोगों को लिया जाएगा। बस दोस्तों
दोस्तों कॉइन सन क्रिप्टो में आप लोगों को मिनिमम जो है 100 रुपीज से विड्रॉल होता है, बट दोस्तों आप लोगों को CoinDCX में मिनिमम 500 रुपीज का विड्रॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, तो जैसे विड्रॉल करूंगा ये भी मैं जो है मेरा पेंडिंग पे पड़ जाएगा। एंड दोस्तों मुझे जो यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ये पैसा बैंक पे रिसीव हो चुका है, तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है पेटीएम की तरफ से। एंड दोस्तों मैं जैसे पेटीएम पे पासबुक में क्लिक करता हूँ, दोस्तों पासबुक ओपन करता हूँ, बूम गाइस मुझे यहाँ पर देख सकते हो 4900 प्लस का अर्निंग हो चुका है। एंड दोस्तों ये अर्निंग हुआ है 5ROI ग्लोबल की तरफ से। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी क्रिप्टो करेंसी का लूट देता हूँ आप लोग सभी करो, क्योंकि आगे जाके इसमें आप लोगों को फायदा होता है। हाँ दोस्तों मुझे भी पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस, यहाँ पर जो है एयर ड्रॉप जो होता है आप लोगों को बहुत लेट करता है, बहुत टाइम लगाता है, बट दोस्तों आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा दिया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो भी मैं आप लोगों को देता हूँ क्रिप्टो वगैरह लूट वगैरह देता हूँ, मैं एक वेरीफाइड होने के बाद ही आप लोगों को देता हूँ, जिसमें आपको आगे जाके पेमेंट मिलेगा। तो इसलिए मेरे ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन रहो, जो भी मैं अपडेट देता हूँ आप लोग करो। देखो जो लोग भी यहाँ पर नहीं किए थे 5ROI ग्लोबल को उतना ध्यान से नहीं देखे थे, सोचे थे कि छोड़ो करना नहीं है, तो उनका देखो आप लॉस ही होगा उनको। जिन्होंने किया था, रेफर किया था, लोगों को ज्वाइनिंग किया था, लोगों को रेफर ज़्यादा से ज़्यादा किया था, तो उनके पास बहुत ज़्यादा कॉइन अभी पड़ा हुआ है एंड बहुत अर्निंग भी उसका हो चुका है। एंड दोस्तों मिनिमम भी मैं अर्निंग की बात अगर कर लूँ तो भी आपको लगभग यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा का अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोग ज़रूर से करो। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक क्रिप्टो रिलेटेड टेलीग्राम चैनल ओपन किया हूँ, जहाँ पर ऑनली क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट आता है, वेरीफाइड क्रिप्टो में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन जरूर से हो जाना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे के रखूँगा। सो गाइज उसके साथ साथ आपका और एक क्वेश्चन का आंसर मैं देते जाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोग करोगे कि भाई यहाँ पर अभी हम लोग जो है ROI ग्लोबल टोकन सेल करें या इसको होल्ड करें। देखिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखो मेरा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा ROI ग्लोबल टोकन है। एंड दोस्तों ये अभी सेल होना स्टार्ट जैसे ही हो गया है इसका प्राइस अभी और भी डाउन होगा, आप लोग समझ रहे हो, इसका प्राइस अभी भी और डाउन होगा। बट दोस्तों ये एक एक्सचेंजर एप्लीकेशन का टोकन है, तो आप लोग सोच सकते हो आगे जाके अगर डाउन भी हो जाता है फिर भी आगे जाके इसका प्राइस अप हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये TNC के तरह कर देगा एकदम प्राइस डाउन हो जाएगा, तो डाउन ही रहेगा। बट दोस्तों हाँ प्राइस तो डाउन होगा, क्योंकि अभी सब लोग इसको सेल जैसे करेंगे ना, बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा टोकन है, तो इसका प्राइस डाउन होने वाला है एंड बहुत ही अच्छा खासा डाउन इसमें अभी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग पैसे की ज़रूरत है तो अभी आप लोग सेल कर दो, आप लोग प्राइस और जो है यहाँ पर बढ़ने की चक्कर में मत रहो, क्योंकि इसका प्राइस और भी ज़्यादा डाउन पे अभी जाने वाला है। तो अभी आप लोग सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं होल्ड करूँगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक्सचेंजर एप्लीकेशन का टोकन है, तो आगे जाके इसका प्राइस अप भी हो सकता है, वो मैं आप लोगों को गारंटी तो नहीं बता सकता, बट मुझे ऐसा लगता है। फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगर होल्ड करोगे तो आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा, लगभग आपको कुछ मान तो 6-7 मान तो आपको वेट करना पड़ेगा इसका प्राइस अप होने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अगर सेल करना चाहते हो सेल कर दो। सो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों आपका जितने भी सारे इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन था वो सभी आपका सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, या मुझे पर्सनली आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, आई होप कि वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो पे अपनी तरफ से लाइक कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। उसके साथ साथ दोस्तों चैनल पे अगर नहीं हो तो अल्टीमेट अर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही, आज का लूट इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं नए कोई वीडियो में, नए कोई लूट में, तब तक के लिए बाय बाय।